और तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, राजघाट की तस्वीरें हैं जहां पर एंथनी एल्बनीज फिलहाल राजघाट पहुंचे हुए हैं। महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए, उन्हें नमन करते हुए, अपने भारत दौरे पर इससे पहले उनका प्रेसिडेंट हाउस में औपचारिक स्वागत किया गया। और तस्वीरें आप राजघाट की देख पा रहे हैं जहां पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज फिलहाल राजघाट पहुंचे हैं और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की महात्मा गांधी को और श्रद्धांजलि दी। जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, कई अहम मुद्दों पर आज द्विपक्षीय बातचीत भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होनी है। इसके बाद करीब 10 बजे विदेश मंत्री से भी उनकी मुलाकात होगी। इसके बाद हैदराबाद हाउस में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत हो सकती है, मुलाकात हो सकती है, एक साझा बयान भी उनकी तरफ से जारी किया जा सकता है। लेकिन इससे पहले आपने तस्वीरें देखी जब राष्ट्रपति भवन में उनका औपचारिक स्वागत किया गया, गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया गया, उन्होंने भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद भी किया और ये कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के जो रिश्ते हैं और ज़्यादा प्रगाढ़ हों, मजबूत हों, इसी को लेकर, इसी पार्टनरशिप को लेकर वो आगे बढ़ेंगे। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, फिलहाल एंथनी एल्बनीज राजघाट पहुँचे हैं और महात्मा गांधी की समाधि पर वो पहुंचे हैं, श्रद्धांजलि उन्होंने अर्पित की है, महात्मा गांधी को नमन किया है। तो अपने 4 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे हुए हैं एंथनी एल्बनीज और औपचारिक तौर पर रजिस्टर में भी एक नोट लिखते हुए आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। राजघाट की तस्वीरें जहां पर एंथनी एल्बनीज ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की और एक नोट लिखते हुए फिलहाल आप देख पा रहे हैं, एक रजिस्टर जिस पर एक नोट अभी फिलहाल एंथनी एल्बनीज जो ऑस्ट्रेलिया के पीएम हैं वो लिखते हुए नजर आ रहे हैं। तो दो तस्वीरें आज की अहम तस्वीरें, किस तरीके से भारत और ऑस्ट्रेलिया के द्विपक्षीय रिश्ते, डिप्लोमेटिक जो रिश्ते हैं और ज़्यादा किस तरीके से मजबूत हो गए, इन दो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। इसके बाद कई कार्यक्रम हैं, एक बड़ा डेलीगेशन जो है वो ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ है, कई अहम मुद्दों पर, रक्षा हो, व्यापार हो, शिक्षा हो, ऐसे कई अहम मुद्दों पर बातचीत भी होगी। और इससे पहले की तस्वीरें, औपचारिक स्वागत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद राष्ट्रपति भवन में मौजूद रहे। औपचारिक स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एंथनी एल्बनीज का किया, गर्मजोशी के साथ हाथ हिलाते हुए, अभिवादन करते हुए। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एल्बनीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी धन्यवाद किया। और दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे कि किस तरीके से वो राजघाट पहुंचे, बापू को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की, नमन किया और अब नोटबुक में एक नोट भी लिखते हुए वो नजर आ रहे हैं। कल से ही हमने सिलसिलेवार तरीके से देखा है कि किस तरीके से अहमदाबाद के बाद से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो गहरी दोस्ती है या सुगम जो रिश्ते हैं उनको और ज़्यादा किस तरीके से प्रमाणिक तौर पर प्रगाढ़ किया जाए, इसको लेकर ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है।